हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी की मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं किचन की नीचे की क्लीनिंग करने वाली हूं। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा मैं नीचे की क्लीनिंग नहीं की थी। तो प्लीज़ दोस्तों, पूरे देखना वीडियो, और न्यू यूट्यूब पे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक कर दें और प्यारा प्यारा कमेंट कर दें। तो इधर देख सकते हैं, मैं अपनी पूरे अच्छी तरह से पहले पानी से भिंजा दिया था। उसके बाद बर्तन धोने वाले नूर से मैं इसको अच्छी तरह से क्लीन कर रही हूँ। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो देखते हैं पर ना सब्सक्राइब करते हैं ना कमेंट करते हैं। प्लीज़ कमेंट करो करो और सब्सक्राइब कर दिया करो। तो दोस्तों, इधर देख सकते हैं मैं अच्छी तरह से पोंछ दूंगी। उसके बाद मैं ये पूरे खाली कर दिया था मैंने पहले ही, इसके कारण। तो इधर देख सकते हैं मैं अच्छी तरह से पोंछ दूंगी। तो देख सकते हैं मेरी अच्छी तरह से पोछा गया है। अब मैं इसमें आलू प्याज जो थोड़ा सा गला गला है उसको मैं हटा लूँगी, ताकि ये इसको अच्छी तरह से धो दूँ, ताकि ये अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। इसके कारण देख सकते हैं मैं सभी को भी हटा लूँगी चुन कर। उसके बाद मैं जो फेंकने वाला है उसको फेंक दूँगी, जो नहीं फेंकने वाला है उसको एक बर्तन में रख लूँगी, ताकि इसको अच्छी तरह से धुल सकूँ। इधर देख सकते हैं मैं सभी प्याज को अच्छी तरह से कर लिया है, निकाल लिया है। अब मैं इसको चुन दूंगी अच्छी तरह से। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं मैं अच्छी तरह से चुन लूंगी, तब फिर मैं बता दिखाती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मैं अच्छी तरह से मल लिया है बर्तन को। अब मैं इसको अच्छी तरह से धुल दूंगी। उसके बाद इसको मैं सूखने के लिए डाल दूंगी, ताकि इसमें मैं आलू प्याज फिर से रख सकूँ। तो अच्छी तरह से इसको देख सकते हैं धुल रही हूँ मैं, और मेरे छोटे वाला लड़का देख सकते हैं मेरे पीछे में खड़ा है।
यहाँ पे देख सकते हैं मैं अच्छी तरह से धुल लूँगी टोकरियों को, उसके बाद मैं बर्तन धुलूँगी क्योंकि बर्तन मैंने नहीं धुआ है। आप लोग देखे थे तो इधर देख सकते हैं कितना ये परेशान कर कर रख देता है। इधर ये नल चलाकर ये पानी से खेल करेगा, तो देख सकते हैं। अब मैं बर्तन धोने के लिए आ चुकी हूँ, पहले काउंटर टॉप खाली कर लूँगी। देख सकते हैं छठ पर्व का प्रसाद था उसको मैं अच्छी तरह से रख दूँगी दूसरी टोकरी में। यहाँ पे देख सकते हैं मैं ये बड़े ड्राम को मैं फिर अंदर रख दूँगी ताकि ये इधर जगह खाली हो सके कॉर्नर। तो यहाँ पे देख सकते हैं रखा गया अच्छी तरह से, मेरी काउंटर टॉप भी खाली हो गया है। देख सकते हैं काउंटर टॉप पूरी खाली हो चुका है। उधर अब मैं इधर बर्तन धुलूंगी, उधर पहले झाड़ू से झाड़ दूंगी ताकि पहुंचने में आसानी हो सके। और पहले मैं बर्तन धोने से पहले नीचे में झाड़ू लगा दूंगी ताकि ऊपर से थोड़ा भी पानी गिरता है तो गीला गीलापन हो जाता है, इसके लिए मैं झाड़ू से पहले निकाल दूंगी। तो इधर देख सकते हैं मैं अच्छी तरह से रख दिया। ये गुलाब जामुन का डब्बा था, इसको मैं ऑर्गेनाइजर बनाऊंगी, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो इधर देख सकते हैं मैं अब बर्तन धो लूँगी पहले अच्छी तरह से, उसके बाद मैं नूर से बर्तन मल लूँगी। तो इधर देख सकते हैं अच्छी तरह से सभी बर्तन को मैंने धुल लिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से पहले अच्छी तरह से मांज लूँगी, देख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने कमेंट किया था, एक दीदी ने कमेंट किया था कि आप होम टूर करवाइए, तो दीदी मैं होम टूर करवाऊंगी, बहुत जल्द करवाऊंगी होम टूर। तो देख सकते हैं मैं सभी बर्तनों को धो लिया है। और जो लोग मेरी वीडियो को कमेंट करते हैं दीदी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं मेरी दो तीन दीदी हैं जो डेली कमेंट कर बताते हैं मेरी वीडियो कैसी लगे, क्या गलती है, वो डेली मुझे बताते हैं, उनको दिल से शुक्रिया। यहाँ पे देख सकते हैं मैं सभी बर्तन को अच्छी तरह से धुल लिया है। अब मैं
लोग देख सकते हैं मेरी कॉर्नर खाली हो चुका है। इधर मैं ये 3 का सेट था, उसमें मैं कप और थोड़ी बहुत टिफिन था वो रख दिया है। और मेरी चूल्हे भी साफ हो चुका है, सिंक एरिया भी साफ है एकदम। देख सकते हैं मेरी पूरी किचन क्लीन हो चुका था। तो मैं अच्छी तरह, अब मैं गैस को पोंछ दूंगी। देख पा रहे हैं, अब मैं नूर से पोंछूंगी गैस को। मैंने दिखा दिया था वो कि अंतिम में मेरी किचन कैसी लगती है। तो इधर देख सकते हैं मैं चूल्हे को अच्छी तरह से पहले क्लीन कर लूँगी। उसके बाद देखिए मैं पोंछ दूँगी इसको अच्छी तरह से, ताकि ये साफ हो चुके। तो दोस्तों देख सकते हैं छठ पर्व का ये दूसरा दिन का वीडियो है, 1 तारीख का वीडियो है। आप लोग 31 तारीख का पर्व ख़त्म हुआ था और 1 तारीख मैंने ये वीडियो बनाया था, वो वीडियो है। देख सकते हैं मैं डेली ये साफ कर देती हूँ ताकि थोड़ी सी भी चिपचिपापन ना रहे। देख सकते हैं मैं साफ कर दूँगी अच्छी तरह से। इसको पहले मैं गीला कपड़ा से पोंछ दूँगी, उसके बाद मैं सूखा कपड़ा से पोंछ दूँगी ताकि पानी की दग्गी ना पड़े चूल्हे पे इसके कारण। देख सकते हैं मैं पहले चूल्हे को पोंछ दिया है। तो अब मैं इसको सूखे कपड़े से पोंछूंगी। देख पा रहे हैं मेरी चूल्हे अच्छी तरह से क्लीन हो चुका है। मैं सूखे कपड़े से पोंछ दूंगी ताकि पानी की दग्गी न लगे। तो देख सकते हैं मैं सूती का सूखा कपड़ा लेकर आ गई थी, से मैं अच्छी तरह से चूल्हे को पोंछ दूंगी चूल्हे को। उसके बाद मैं चूल्हे को सेट कर दूंगी। देख सकते हैं मेरी अच्छी तरह से चमचमाती हुई चूल्हा बन चुकी है। देख सकते हैं मैं पूरी अच्छी तरह से कप उप सेट कर दिया है और ये मैं इसी जग में रहने दूंगी ये सभी चीज। तो देख सकते हैं उधर मेरी जरूरी की सामान हो गई और ये तेल है। तो तेल मैं सोच रही हूँ कहाँ पे रखूँ, तो फिर खिड़की पे रख देती हूँ तेल। उसके बाद देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है। इधर मैं मशीन का तेल था वो मशीन वाला तेल उधर रख दिया और मिक्सर था मिक्सर रख दिया। अब मैं इसमें लाइटर रखूंगी और एक चाकू रखूंगी सब्जी कट करने वाला। तो देख सकते हैं मेरी किचन पूरी क्लीन हो चुकी है।
तो दोस्तों आप लोगों को कैसी मेरी ये वीडियो लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना, और आज की मेहनत के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद जय भारत।